नोट में इसको आप याद रखेंगे सदा के लिए, क्योंकि एक एक नंबर की बात है और एक एक नंबर से ही आपको 100 नंबर टूटता है। ठीक है, जैसे सबको याद है क्या एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो को साइन क्या होता है, कोई बताएगा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन, दिक को साइन, 100। हाँ, तो ऊ वाला जैसे याद है ना, तो उसी में क्या करता है, ये वाला एगो इक्वेशन पूछ देता है, कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन, नहीं इक्वेशन ऑफ एक्स वाई पे, इसको काट देते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, ऐसे इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई तल का समीकरण, एक्स वाई तल का समीकरण ऐसे पूछ देता है। तो एक्स वाई तल का अगर समीकरण पूछे तो बताओ इसमें गायब कौन है? जेड, जेड गायब है, तो बस ऐसे लिखिए जेड बराबर जीरो। अब समझ गया होगा तुम लोग, खुद से तुम लोग बताओ कि तीन गो और तल बनेगा ना बउआ, कौन कौन तल बनेगा बताओ? तो दूसरा इक्वेशन ऑफ एक्स वाई हो गया, तो वाई जेड ले लेते हैं, वाई जेड प्लेन बताओ इसका समीकरण क्या होगा? वाई जेड तल का समीकरण बोलो। और तीसरा इक्वेशन ऑफ जेड एक्स या एक्स जेड कह सकते हैं, जेड एक्स लिख देते हैं, जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जेड एक्स तल का समीकरण बोल तो बुआ क्या होगा? हाँ, तो देखो इसमें वाई जेड है तो इसमें जो गायब एक्स बराबर, तो एक्स बराबर जीरो होगा, और इसमें गायब कौन है? वाई गायब है ना, तो इसमें वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये एक एक नंबर की बात है, तो ये सवाल तीनों में से कोई एगो पूछा जरूर जाएगा। जैसे कैसे बताए थे कि वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस वाला प्लेन का डायरेक्शन को साइन पूछता है, तो उसी तरह से इस तीनों में से एगो सवाल भी पूछ देता है। ठीक है, तुम लोग इस बार का सवाल भी देख लेना, हो सके तो ऐसा पूछा हुआ होगा, और नहीं तो 2020 में तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ ले होगा। ठीक है, देख लेना। अब इसी में बात करते हैं बुआ, अब तीन गो और फॉर्मूला बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो था, तो हम तीन गो और बताते हैं पहले। हो गया, किसी का कहेगा हो गया, तो देखो तीन गो और लिखते हैं, ध्यान देना। नोट नंबर अगला क्या पूछेगा कि एनी प्लेन पैरेलल टू कोई एक्सिस दे देगा। ठीक है, तब एनी प्लेन पैरेलल टू मान लो कि एक्स वाई प्लेन सुनो ध्यान से, इसको हिंदी बताओ क्या कह रहा है कि एक्स वाई तल के समांतर तल, तो ये पहले बताओ गौर से क्या कह रहा है कि एक्स वाई कोई प्लेन है, ठीक है, और इसके समांतर प्लेन पूछ रहा है, समांतर मतलब पैरेलल, तो पहले बताओ एक्स वाई तल के समीकरण क्या होता है, अभी तो जस्ट तुमको बताया ना क्या होता है बताओ, देख लो भूल गया था, एक्स वाई वाला बताए थे ना करने गए, एक्स वाई वाला क्या होता है बउआ बोलो, थक गया क्या, लास्ट है बुआ, जेड जीरो होता है। ठीक है, तो जेड जीरो होता है, तो जेड जीरो होता है यहां पर, तो यहां पर जेड नहीं जीरो लिखना है बल्कि जेड बराबर कुछ कांस्टेंट लिखना है, तो जेड बराबर मान लो कांस्टेंट, ये क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया? अगर ये मेरा बात समझ गए होंगे तो इसी तरह से दो गो नोट आप खुद बना सकते हैं, कैसे देखिएगा, एनी प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, बताओ इसका वाई जेड तल के समांतर तल का समीकरण क्या होगा बताओ हुआ बक्सा एक्स बराबर के, हाँ, और इसी तरह से एक और बन जाएगा एनी प्लेन पैरेलल टू एगो कौन बच गया एक्स वाई वाई जेड हो गया, तो एक्स जेड या जेड एक्स लिख देते हैं,
ये वो एक्स जेड लिख देते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे एक्स जेड तल के समांतर तल का समीकरण, ऐसे शॉर्ट में लिखे तल समीकरण याद रखिएगा ठीक ना। तो बउआ बताओ क्या होगा इसमें, क्या वाई जेड इसमें एक्स बार जीरो मत, जीरो नहीं लिखना है, के होगा सीधा एक्स वाई तल के समीकरण पूछेगा ना बउआ, सिर्फ एक्स वाई तल के समीकरण, तो एक्स बराबर जीरो लिखिएगा, लेकिन एक्स वाई तल के अगर उस समांतर कह दिया ना तो एक्स बराबर कोई कांस्टेंट ले लिया, जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसलिए आप एक्स बराबर के बोलिएगा ठीक। उसी तरह से एक्स जेड प्लेन का समीकरण अगर सिर्फ पूछे तो अभी इसमें गायब वाई है तो वाई जीरो के बराबर आएगा, बट क्या कह रहा है इसके समांतर पूछ रहा तो वाई बराबर जीरो ना लिखे वाई बराबर कोई कांस्टेंट, समझ में लो। और यही तीनों सवाल जो अभी ये नोट में बताया बउआ, ये वाला डायरेक्ट अगर समतल का समीकरण पूछे ना, एक्स वाई तल का समीकरण चाहे वाई जेड तल का चाहे जेड एक्स तल का, तो आप जो गायब रहेगा वो जीरो के बराबर कर दीजिएगा, लेकिन अगर उस समांतर कह दिया जाए, सुनो ध्यान से, अगर उस समांतर कह दिया जाए तो जो गायब है ना वो जीरो के बराबर ना बल्कि कोई कॉन्स्टेंट के बराबर, बस इतना ही फर्क है। तो क्या ये छह नोट्स मेरा समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर बी वाई बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर सी जेड बराबर जीरो, या ऑप्शन नंबर डी जेड बराबर के। इसमें से आप लोगों का आंसर कोई एक ही सही है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको आप बस थोड़ा सा उलट के फॉर्मूला देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो इसका देखिए इसमें गायब कौन सा है, वो जेड गायब है, इसलिए इसका आंसर जेड बराबर जीरो होगा, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी बात पर नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर टू कि एनी इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन यानी एक्स वाई तल के समांतर किसी तल का समीकरण क्या होता है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने में एक्स बराबर के, दूसरा ऑप्शन वाई बराबर के, तीसरा ऑप्शन जेड बराबर के, या चौथा ऑप्शन जेड बराबर जीरो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना यह है कि एक्स वाई तल के समांतर कहा है यानी कि पैरेलल कहा है, इसीलिए इसका आंसर आप जीरो वाला मत मार दीजिएगा जल्दी से, इसका जीरो वाला ना होगा, कोई कॉन्स्टेंट वाला होगा। तो जो इसमें गायब होगा ना, जैसे एक्स वाई तल था तो एक्स वाई में जेड गायब है, तो इसका आंसर जेड बराबर कोई कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जेड बराबर के ठीक है। तो ये तो दोनों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और यही दोनों प्रश्न में से एक कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा और समझ भी लीजिएगा ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।